भिवंडी शहर में देखने को मिली हिंदू मुस्लिम की एकता। आज दिनांक 25 जनवरी 2024 को समस्त बारापुरा व आलम अंसारी और उनकी टीम की तरफ से पुलिस उपायुक्त श्री नवनाथ धवले सर का सत्कार उनके कार्यालय में किया गया। माननीय उपायुक्त की भिवंडी शहर में 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा दिवस को सफल बनाने व कानून व्यवस्था बेहतर रखने के संदर्भ में समस्त बारापुरा की टीम की ओर से हार्दिक बधाई व पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया गया। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। अयोध्या में जो प्रोग्राम निश्चित किया गया था श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा, उस अवसर पर पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू समाज है उन्होंने एक त्यौहार के तरह इस प्रोग्राम को हर शहर में हर गांव में मनाया। उसी तरह जैसे कि हम देखे कि बहुत सा महाराष्ट्र के बहुत से शहरों में जो छोटे मोटे उस दिन 22 तारीख के दिन जो है छोटे मोटे घटना हुए, ऐसा भिवंडी शहर में कुछ भी नहीं, एकदम शांतिपूर्वक कार्यक्रम किया गया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान बोलूँ तो यहाँ का जनता का, हिंदू और मुस्लिम भाई सब एक साथ रहते हैं वो। और दूसरी बात, भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन, पुलिस टीम और डीसीपी साहब का जो योगदान रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा। ऐसे ही भिवंडी शहर में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पुलिस का सहयोग बहुत जरूरी है और आगे भी हम हर कार्यक्रम हर त्यौहार एक साथ में मिलजुल के बनाएंगे, इसमें पुलिस भी हमारा सहयोग करेगा, ऐसा आशा करते हुए मेरा दो शब्द। अभी 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, बड़े अच्छे तरीके से हुआ और हम भिवंडी शहर के डीसीपी साहब या उनकी पूरी टीम भिवंडी शहर के पूरी पुलिस को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। उन्होंने हालात को अपने हिसाब से काबू में रखा, कहीं कोई घटना नहीं घटी और जो भी हमें हमारे महाराष्ट्र राज्य में घटना घटी हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया ठीक है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भिवंडी शहर की पुलिस ने बड़ी ही अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सबको अच्छे से हैंडल किया, कोई घटना नहीं घटने दिया। इसके लिए हम उनको फिर से वापस से शुक्रिया अदा करते, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद कहते हैं।